दोस्तों आज हमारे पास है हुंडे वरना, ये है हुंडे वरना की की, दिस इज़ फॉर लॉक, दिस इज़ फॉर अनलॉक, और ये है बूट के लिए। और तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ग्रिल की, जो पहले से चेंज हुआ है। तो इसके अंदर हमें क्रोम ब्लैक फिनिश देखने मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर बड़ा सा हुंडे का लोगो, और यहाँ पर सेम फिनिश में यहाँ पर स्किड एरिया है नीचे। तो अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये है इसकी हेडलैम्प। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर यूनिट है, ये हैलोजन है। इसके ऑफर वाले वेरिएंट के अंदर ये एलईडी यूनिट आता है, और इसके अंदर हमें जो इंडिकेटर देखने मिलता है वो बल्ब यूनिट है। और ये इसका डे टाइम रनिंग लैंप है, यानी कि डीआरएल। इसका दोस्तों फॉग लैंप है ये, और ये टोइंग हुक है। तो दोस्तों साइड पे आ जाते हैं तो इसके अंदर हमें देखने मिलता है ORVM, जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विथ टर्न इंडिकेटर्स। और ये 195/55 R16 के व्हील्स। और दोस्तों इसके अंदर व्हील्स के अंदर डायमंड कट का भी ऑप्शन है। ये वाला इतना खास नहीं दिखता है, लेकिन डायमंड कट वाला बहुत अच्छा लगता है। इसके फ्रंट के दोनों के अंदर हमें डिस्क ब्रेक्स देखने मिलते हैं, और रियर दोनों के अंदर ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं। जो इसका टर्बो वेरिएंट है उसके अंदर चार में ही डिस्क ब्रेक्स देखने मिलते हैं। अगर ये व्हील्स डायमंड वाले अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और दोस्तों इसमें हमें मिल जाती है कीलेस एंट्री, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डोर के लिए है, बाकी पैसेंजर्स के लिए ये नहीं है। फ्रंट पे हम आ जाएंगे बाद में, अभी हम पहले चलते हैं बाहर पीछे वापस। तो ये है SX वेरिएंट, ये वेरिएंट की बैजिंग है, यहाँ पर वरना की बैजिंग है, और ये हुंडे का लोगो है। ये इसका टेल लैंप है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2019 वरना से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और इट्स काइंड ऑफ चेंज्ड। और ये LED यूनिट्स है, और यहाँ पर इंडिकेटर बल्ब है, और ये रिवर्स के लिए लाइट है। ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा। पर फिर से हमें क्रोम फिनिश देखने मिल जाता है, यहाँ एक रिफ्लेक्टर है, और ये रियर बम्पर। दोस्तों ये है इसकी स्टॉप लाइट, और पीछे देख सकते हैं आप शार्क फिन एंटीना। इट्स डिसेंट इनफ दोस्तों, जो 2019 वरना है बिल्कुल उतना ही स्पेस है, स्पेस में डिफरेंस नहीं है। दोस्तों ये है इसका स्पेयर व्हील, ये एक स्टील यूनिट है, अलॉय यूनिट नहीं है। इसका साइज है 185/65 R15, यानी कि ये एक स्पेस सेवर है। That's about it, the boot. अभी हम चलते हैं रियर सीट के ऊपर, अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको पीछे की सीट का कंफर्ट बताऊंगा। दोस्तों जो रियर सीट है वो पूरी तरह से पीछे मैंने नहीं रखी है, मीडियम है। और यहाँ पर जो हमें लेगरूम देखने मिलता है, इट्स डिसेंट इनफ दिस साइज ऑफ सेडान, और अंदर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। और पीछे हमें एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं दोनों पे, सेंटर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस नहीं है। और दोस्तों ये जो अपॉल्स्ट्री है यहाँ पर हमें देख रहे हैं, ये बेज इंटीरियर है, ड्यूअल कलर इंटीरियर नहीं है। लेकिन इसके सीट्स में हमें सिंगल बेज ही मिलता है, लेकिन जो डोर हैंडल्स है और डोर इसके जो डोर एरिया है उसके अंदर हमें ड्यूअल टोन दिखता है। ये ब्लैक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पर थोड़ा सा लेदर फिनिश है, ये पूरा लेदर फिनिश है। ये रियर विंडो के कंट्रोल्स है, और ये जो है क्रोम फिनिश हमें हैंडल पे देखने मिल जाता है, डोर हैंडल पे, लॉक अनलॉक। और दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर है, ये चारों डोर पे चार स्पीकर्स हैं। ये भी डिसेंट इनफ स्टोरेज है दोस्तों, बॉटल होल्डर के लिए भी 1 लीटर की बॉटल आराम से इसमें आ जाएगी। और हेडरूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, मतलब इसका जो स्टाइलिंग है वो कूपे काइंड ऑफ है, इसीलिए ये उतना ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक हैंडल देखने मिल जाता है, यहाँ पर एक हैंडल विद अ हुक, और ये मैनुअल सनब्लाइंड्स है, और
सेंटर में हमें आमरस देखने मिलता है, सेंटर में हमें आमरस देखने मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, और रियर में हमें ट्विन एसी वेंट्स देखने मिल जाते हैं। सेंटर पैसेंजर के लिए भी हमें एक सीट बेल्ट देखने मिल जाता है। अब चलते हैं हम फ्रंट की ओर, अब चलते हैं हम ड्राइवर सीट पे। अंदर घुसना इज बिट ऑफ अ चैलेंज, उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इट्स डिसेंट जगह। और यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है क्रोम फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स। ये है ORVM के कंट्रोल्स, वन टच पे ORVM बंद हो जाते हैं। ये ORVM के कंट्रोल्स है, यहाँ पर विंडो लॉक है और यहाँ डोर लॉक अनलॉक है। फ्रंट ड्राइवर की विंडो के लिए यहाँ पर वन टच अप डाउन मिल जाता है, बाकी पैसेंजर्स के लिए वन टच अप डाउन नहीं है। यहाँ पर फिर से एक और स्पीकर देखने मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ट्वीटर्स हैं, हम सुनो फ्रंट डोर्स के ऊपर यहाँ पर ट्वीटर्स देखने मिल जाते हैं। इसमें चार स्पीकर्स और दो ट्वीटर्स हैं। दोस्तों इसका जो SX ऑप्शनल वेरिएंट आता है उसके अंदर यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी बटन देखने मिल जाता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर दोस्तों आप आ जाइए स्टीयरिंग व्हील में, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल के और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपके टेलीफोन कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बटन्स हैं। दोस्तों इसमें 20.32 सेंटीमीटर का हमें इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। और दोस्तों इसमें आपको ब्लू लिंक का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसमें आपको 50 कनेक्टेड फीचर्स देखने मिल जाते हैं। दोस्तों इसको आप टच, ये पूरा तरह से टच स्क्रीन है और ये ज़्यादा लैग भी नहीं करता है दोस्तों, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। और दोस्तों आप इसको आपके स्टीयरिंग व्हील से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक ऑटोमेटिक AC देखने मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो ये गियर लीवर है, और ये पर्टिकुलर वेरिएंट 6-speed मैनुअल के साथ आता है, इसमें आपको 6-speed IVT और एक 7-speed DCT का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग के लिए एरिया दिया गया है। यहाँ पर दो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स हैं और ये सिगरेट लाइटर है। और दोस्तों ये USB पोर्ट है, जिससे आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये AC वेंट्स है। दोस्तों हमें ग्लोव बॉक्स के अंदर एक कूलिंग फंक्शन भी देखने मिल जाता है, इट्स डिसेंट स्पेस्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपके लिए स्टोरेज स्पेस है हैंडरेस्ट के नीचे। और दोस्तों एक और बात, इसके जो मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ बाद में, लेकिन यहाँ पर आपको सीट बेल्ट के लिए हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब आते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों, काफ़ी हद तक BMW की याद दिलाता है। और दोस्तों ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर टैकोमीटर है और यहाँ पर एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसको आप ये इससे आपके स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है गाड़ी के रिलेटेड। और ये जैसा कि आपको बता रहा है कि फ्रंट के राइट साइड के दोनों डोर्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने मिल जाता है, यहाँ पर ओडोमीटर है और यहाँ पर फ्यूल गेज है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेलीटेल लाइट्स हैं। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं और यहाँ इंडिकेटर का भी कंट्रोल्स है। इसका जो दोस्तों टर्बो वेरिएंट आता है, उसमें आपको यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी देखने मिलते हैं। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, यह आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं देता है, लेकिन SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देखने मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर देखने मिल जाता है और यहाँ पर दो लाइट्स हैं और ये सनरूफ का बटन है। ये पूरा सनरूफ खुल चुका है, अभी हम इसे बंद कर देते हैं। जो इसका और दोस्तों अभी हम गाड़ी के बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इंजन बे। तो ये है दोस्तों 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूड का स्लॉट दिया हुआ है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेल कंटेन है इसका ये इंजन बे। और यहाँ पर आपको बैटरी देखने मिलती है, सो दैट्स अबाउट इट। यहाँ पर इंसुलेशन भी आपको देखने मिल जाता है। और दोस्तों ये है इसका टेल लैम्प,